सुबह की जल्दबाजी, दिन भर की भागम भाग, इस बीच घटता है बहुत कुछ। पूरे दिन की हर खबर एक साथ देखिए जन एक्सप्रेस। बहराइच तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता वाहन को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। बहराइच सोमवार को जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला अधिकारी कार्यालय से रवाना किया गया। दिनेश चंद्र ने मीडिया के माध्यम से लोगों को अपील की है कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क पर चलने के जो भी नियम बनाए गए हैं उस नियम का पालन करें। उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे परिवासों एवं छोटे छोटे उपायों से ऐसी जाने को आकस्मिक रूप से सड़क दुर्घटना में हो जाती है उन्हें बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करें और सड़क पार करते वक्त संकेतक पर ध्यान देकर सड़क पार करें। उन्होंने कहा है कि सदियों में कोहरा पड़ता है, ऐसे में गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाएं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना होने पाए। उक्त अवसर पर RTO ADM सिटी मजिस्ट्रेट व RTO ऑफिस के बड़े बाबू अतीक बाबू भी इम्तियाज भी कहा इम्तियाज में बना रहे हैं। इम्तियाज भाई आगे बनाओ ना, आगे आओ आगे। डीएम साहब, आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रवाना किया गया क्या? सड़क सुरक्षा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं उतना शायद ही किसी अन्य विधा में लोग जीवन अपना देते हैं। इसलिए छोटे छोटे उपाय से, छोटी छोटी सजगता से ऐसी जाने जो आकस्मिक रूप से दुर्घटना में जाती हैं उनको बचाया जा सकता है। आज उसी के जागरूकता के लिए यहाँ से वाहन रवाना किया गया है। मेरा प्रेस के माध्यम से यही अनुरोध है कि जो भी सड़क पर चलें उन जो उपाय हैं, नियम हैं, उनका पालन अवश्य करें। छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आदमी दुर्घटना से बच सकता है। जैसे टू व्हीलर्स का जब भी प्रयोग करें तो हेलमेट का प्रयोग करें, उसमें आगे और पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्ति करेंगे तो उनको निश्चित रूप से दुर्घटना में कोई ऐसी हानि नहीं होगी जो जीवन मृत्यु की हानि। इसी प्रकार सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सड़क क्रॉसिंग करते हुए जो संकेतक हैं उनका प्रयोग करें। मेरा आज आप लोगों के माध्यम से यह अनुरोध है कि जीवन की रक्षा के लिए सड़क पर चलने की जो नियम कानून है उसका पालन अवश्य करें। और मैं एक बार तुम्हें आपको आश्वस्त करता हूँ कि क्योंकि आने वाले जाड़े के समय में कोहरा भी आता है और कोहरे से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं जिससे कि दूर से ही वाहने प्रदर्शित हो सकें। ये सारी चीज़ें मिलजुल कर सारे लोग जागरूकता के आधार पर ही कर सकते हैं। अतः जीवन को बचाने के लिए सड़क नियमों का पालन आवश्यक है। इस भाव के साथ आपसे अनुरोध है कि इसका जनमानस को बचाएं। डीएम साहब, जो लखनऊ रोड से जो नदी माता के सामने के लिए डिवाइडर है वहाँ पर देखा गया नहीं है और वो आगे से और बहुत गलत तरीके से बना भी लग रहा है। उसमें मैं एक बार पत्र भी लिख चुका हूँ, आपने देखा होगा जो उसके किनारे टूटा हुआ था वो काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था, लेकिन मैं पर पुनः आज उनको PWD और नेशनल हाईवे को लेटर लिखूँगा कि ये उस पर ध्यान दिया जाए और जो भी साइलेज बने हैं तो आपने देखा होगा कि जो घटनाग्रस्त क्षेत्र होते हैं जहाँ बार बार घटना होती है उनका भी इंडिकेशन होता है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर।